मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। मानसून फिर हुआ सक्रिय, अगले 3 दिनों में बारिश और कई जिलों में मचा सकती है तबाही। आपको बता दें, मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। कोटा, बूंदी और बीकानेर सहित कई इलाकों में शनिवार को अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज से आगामी 3 दिन तक भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में अति भारी बारिश हो सकती है। IMD ने इस अवधि में कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। कड़ाके की धूप, बादलों की आवाजाही के बीच बीते 1 सप्ताह से पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बारिश न होने की वजह से एक बार फिर से तापमान बढ़ गया है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार सोमवार से पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित आसपास के जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल से मानसून के एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। यूपी के मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने रविवार की शाम ताज़ा अपडेट जारी करते हुए कल से पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। 24 जुलाई से मानसून के एग्रो होने की संभावना है। इस दौरान पूरब से लेकर पश्चिम तक भारी बारिश होने की उम्मीद है। बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक नॉनस्टॉप जारी रह सकता है। दिन में कड़ाके की धूप निकलने से तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपी का मथुरा, वृंदावन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाकों में 25 जुलाई से लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। आज भी प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके मुताबिक कुछ जगहों पर ऑरेंज और कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, भोपाल, हरदा, झाबुआ, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, दमोह, नर्मदापुरम, सागर और छतरपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज अलीराजपुर, नीमच, अशोकनगर, गुना, उज्जैन, मंदसौर, शिवपुरी, ग्वालियर समेत कई जिलों में चमक के साथ बौछारें पड़ सकती। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान के कई जिलों पर मानसून की मेहरबानी बनी हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आज उत्तर पश्चिम दिशा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा और 12 घंटे में कमजोर होने की संभावना है। मानसून ट्रफ लाइन आज भी अपने सामान्य से दक्षिणी स्थिति में है और जैसलमेर, अजमेर में गुजर रही है। इस बीच विभाग के आगामी 3 घंटों के भीतर टोंक, बूंदी और जयपुर में कहीं कहीं पर सतही हवा, मेघगर्जन, वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए लाइव मौसम खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।